मेरे सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देवप्रयाग भूमि श्री राम की, जहां है भारत का सबसे पवित्र संगम, हिमालय से निकलने वाली दो अमृत धाराओं जिसके मिलन से जन्म होता है माँ गंगा का। देवप्रयाग को देवतुल्य भूमि ऐसे ही नहीं कहा जाता है, क्योंकि ये भूमि है तपस्या की, ये भूमि है तर्पण की, ये भूमि है त्रिवेणी की, ये भूमि है पुरखों को तारने वाली मुक्ति की, यह भूमि है मोक्ष की, यह भूमि है श्रवण कुमार के बलिदान की। एक तरफ से अलकनंदा नदी और दूसरी ओर से भागीरथी, दोनों का संगम होता है तो बनता है, जन्म होता है माँ गंगा का। तो चलिए हम इस अद्भुत दृश्य का आनंद लेते हुए आगे बढ़ते हैं। ये इधर से नदी आ रही है, इन गलियारों से हम लोग बाजार की ओर चलते हैं और आगे जाके गंगा नदी का दर्शन करेंगे, उसके बारे में जानेंगे, आगे क्या होता है देखते रहिए। यहाँ से देखिए कितनी अद्भुत, कितनी सुंदर, कितनी पवित्र नदी गंगा दिखाई दे रही है, जो कि अपनी तीव्र धाराओं से आगे बढ़ रही है। यहाँ पे कुछ होटल्स हैं, धर्मशाला हैं यहाँ रहने के लिए। ये देखिए इनकी आवाज़ देखिए, कल 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 करती हुई आगे बढ़ती जा रही है। इसका पानी कितना निर्मल है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये जो पुल दिखाई दे रहा है आपको, यह सिर्फ पहाड़ों में मिलता है। ये बहुत पुराना पुल है जो इस ओर से दूसरी ओर हमें ले आता है। यहाँ से देखिए गंगा नदी का धारा कितनी पवित्र, कितनी निर्मल दिखाई दे रही है। इन सीढ़ियों से हम आगे बढ़ते हैं। आगे श्री राम जी का तपस्या स्थल है। यह है संगम घाट देवप्रयाग, बगल से गंगा जी गुजरती हुई और साथ में हम लोग भी चलते हुए। ये देखिए कितनी अच्छी दिखाई दे रही हैं। हम सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं। ये देखिए कितनी निर्मल, कितना स्वच्छ, ये है गंगा, कितनी तेज बेग से आगे बढ़ रही है। ओ देखिए, देखते रहिए। उधर से तेज तीव्र गति से आगे बढ़ रही है और वो सामने दिख रहा है इधर से अलकनंदा नदी का धारा और उधर से भागीरथी आती हुई, दोनों का यहाँ पे संगम होता है, जिसे हम गंगा कहते हैं। देखिए इतना मनमोहक दृश्य है संगम का, देखते ही बनता है। क्या दृश्य है, आप लोग देखते देखते लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है। ये देखिए गंगा नदी किनारे कितना अच्छा रोड है, ऊपर से देखिए कितनी खतरनाक
विशाल रूप धारण किए हुए गंगा। ये देखिए गंगा का पानी, बागमती नदी है, यह है अलकनंदा, यहाँ आने के बाद जी चाहता कि यहीं रह जाऊं। ये गंगा बनती है यहाँ से, ऐसा दर्शन करने का सौभाग्य बहुत कम ही लोगों को मिलता है। यहाँ देखिए ये है बॉर्डर, यहाँ से अलकनंदा गंगा नदी को देखते हुए कितने मनमोहक लग रही है, यहाँ पर कितना शांत धारा है, लेकिन यही धारा जब आगे जाती है तो कितना भयंकर रूप लेती है, इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। आगे देखिए यहाँ पे पुजारी जी तपस्या कर रहे हैं, नहा रहे हैं, यहाँ पे लोग आते हैं अपने पाप को धोते हैं, डुबकी लगाते हैं और संगम का दर्शन करते हैं। कितना अद्भुत नजारा है, सामने कितने बड़े बड़े होटल हैं पहाड़े पर। ये कुछ बता रहे हैं गंगा के बारे में, यहाँ से कैसे निकली हुई है गंगा। सामने से देखिए पुल दिखाई दे रहा है जो इस ओर से उस ओर जाने में सहायता करता है हम सबका। देखिए देखिए कुछ लोग दर्शन के लिए नीचे आके दर्शन कर रहे हैं, कितना अद्भुत नजारा है। ये है शंकर जी का चित्र, क्या अद्भुत नजारा है, ऊपर पहाड़ पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो आसमान को छूती हुई दिखाई दे रही हैं, और इधर देखिए सीढ़ियों से चलते हैं आगे, यहां से दर्शन कीजिए संगम का। रघुनाथ मंदिर जो सामने दिखाई दे रहा है, रघुनाथ मंदिर कहा जाता है। और बगल से गंगा माता गुजरती है। यह है मुख्य मंदिर श्री राम की, जहां इन्होंने तपस्या की थी। ये बहुत ही पुराना और पवित्र मंदिर है। यह है अन्नपूर्णा का मंदिर, ये भी बहुत पुराना है मंदिर है। और ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जब श्री राम ने रावण का वध किया था तो उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगा था, तो श्री राम ने यहाँ तपस्या की थी। रघुनाथ मंदिर है, अन्नपूर्णा मंदिर है, यहीं पे इसी पर बैठ के प्रभु श्री राम तपस्या की थी। ये रास्ता हम बाहर जाता है, इस रास्ते से आगे हम विश्राम गृह जाएंगे, जो कि यहाँ का ठहरने के लिए अच्छा है, व्यवस्था की हुई धर्मशाला है, यहाँ पर आप बिल्कुल ठहर सकते हैं, यात्री विश्राम गृह है। और यहाँ से देखिए ये धर्मशालाएं हैं, यहाँ पर लोग विश्राम करते हैं और बहुत ही कम पैसे से यहाँ पर रूम मिल जाता है। और यहाँ से देखिए गंगा माता का